माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, उसका रूट कह रहा है कि एक्स है, तो आपसे कहेगा कि एक ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसका रूट पहले वाले के रूट के रेसिप्रोकल के इक्वल है, है ना। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका रूट अगर एक्स है ना, अल्फा बीटा है, दो रूट होगा उसका, तो आपसे कह रहा है कि एक वैसा इक्वेशन निकालिए जिसका रूट पहले वाले के रेसिप्रोकल होगा, मतलब रूट क्या होगा, वन बाय अल्फा वन बाय बीटा होगा। या आपसे कह सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है जिसका रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसका रूट पहले का निगेटिव है, मतलब वैसा इक्वेशन जिसका रूट पहले का निगेटिव, कहने का मतलब रूट कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, एंड सो ऑन। इसी तरह का प्रॉपर्टी आपसे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी वही दिया हुआ है जो जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय वन बाय एक्स इन द गिवन इक्वेशन। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट अगर अल्फा बीटा है, तो अगर कहेगा कि आप इसके रूट का रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा आप उसको निकालिए। उस केस में आप सिंपली क्या कीजिएगा, एक्स को रिप्लेस कर दीजिएगा वन बाय एक्स से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, ठीक है, तो मान लेते हैं, इसे मानना क्या, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, है ना, इसके रूट का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए। प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट ऊपर क्या बताएं, रिप्लेसिंग करने के लिए एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, वन बाय एक्स से, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा आपका ए इंटू वन बाय एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन बाय एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका हो जाएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम है, तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो। ये काफ़ी आसान सा आपका क्वेश्चन था, ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो, ये पहला ऑप्शन मैच कर गया, आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इन एच पी, ये रूट कह रहा है कि एच पी में है, तो अगर हम रूट को रिप्लेस कर देंगे तो रूट किस में हो जाएगा, अगर हम रिप्लेस कर दें एक्स को वन बाय एक्स से, तो रूट किस में हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा, बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट हम ए पी में ही पढ़े हुए हैं। आपको हम क्या बताए थे कि एच पी जो होता है वो ए पी का जस्ट उल्टा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ए पी में, फिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, इसको जब रिवर्स कीजिएगा तो वन बाय एक्स का होल क्यू माइनस पी इंटू वन बाय एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू वन बाय एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन जब आप फॉर्म करेंगे तो ये कितना है, एक्स क्यू एल सी एम हो जाएगा, एक्स क्यू एल सी एम हो जाएगा, तो यहाँ तो वन बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है, तो कितना हो जाएगा पी एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो क्यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आर एक्स क्यू इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आर एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन बराबर जीरो, माइनस कॉमन ले लीजिए, आर एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन किस में था, आर इन एच पी में था, ठीक है, नाउ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन किस में हो जाएगा, ए पी में, और कौन सा इक्वेशन है ये, क्यूबिक, तो कितना रूट होता है क्यूबिक का, तीन, रूट किस में है, ए पी में है, तो ए पी में तीन नंबर को मानना है, कैसे मानते हैं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, यही मानते हैं ना, बताए हुए थे हम आपको। देयरफोर समेशन ऑफ रूट आप जानते हैं,
समेशन ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी बाय, तो इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा माइनस माइनस क्यू बाय आर हो जाएगा ना, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थ्री ए का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू बाय आर, और आप ए का वैल्यू कह सकते हैं क्यू अपॉन थ्री आर होगा। ठीक है, अब ए क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, तो चूंकि ए इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन है आर एक्स क्यू, तो कितना हो जाएगा आर क्यू बाय थ्री आर का होल क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बदले हो जाएगा क्यू बाय थ्री आर का स्क्वायर प्लस पी एक्स, तो पी और एक्स का वैल्यू है क्यू अपॉन थ्री आर माइनस वन बराबर जीरो, तो ये कितना हो जाएगा आर इंटू क्यू क्यू अपॉन ट्वेंटी सेवन आर क्यू हो जाएगा माइनस ये क्यू स्क्वायर इंटू क्यू कीजिएगा तो क्यू क्यू ही हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा नाइन आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पी क्यू अपॉन थ्री आर, ये माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल तो ट्वेंटी सेवन आर क्यू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका, ठीक है इतना ही बच जाएगा क्यू क्यू आर माइनस, यहाँ से कितना बचेगा नाइन दिया हुआ है तो ये थ्री आ जाएगा, आर स्क्वायर दिया हुआ है तो आर आ जाएगा थ्री आर दिस, प्लस यहाँ से कितना है थ्री आर है तो नाइन जाएगा ऊपर है ना, और आर है पहले से तो आर स्क्वायर जाएगा, तो पी क्यू आर स्क्वायर माइनस वन है तो माइनस वन, यहाँ कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन आर क्यू इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप जीरो हो जाएगा, और सब में हम क्या देख रहे हैं कि आर सब में कॉमन है, माइनस आर आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस आर कॉमन निकालिएगा, देखिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और माइनस आर सबसे कॉमन निकाल लीजिए तो ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी सेवन आर स्क्वायर, यहाँ से माइनस आर कॉमन निकाल रहे हैं तो प्लस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा नाइन पी क्यू आर हो जाएगा, आर स्क्वायर है आर कॉमन निकालिए, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, आर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा ये थ्री क्यू क्यू हो जाएगा, यहाँ से भी आर कॉमन निकाल लिए तो कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना आर कॉमन ले लिए हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा क्यू क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, तो ट्वेंटी सेवन आर स्क्वायर माइनस नाइन पी आर, और ये घट जाएगा इसमें से टू क्यू क्यू इक्वल्स टू जीरो, किस ऑप्शन में प्रेजेंट है देखिए ट्वेंटी सेवन आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, ट्वेंटी सेवन आर स्क्वायर माइनस नाइन पी क्यू आर, और जब थ्री क्यू क्यू में से क्यू क्यू घटाइएगा तो टू क्यू क्यू इक्वल्स टू जीरो आपका हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, मतलब अगर एक इक्वेशन दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट कह रहा है अल्फा बीटा है, तो वैसा इक्वेशन निकालिए जिसका रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है, आप इस केस में सिंपली क्या कीजिएगा, आप एक्स को रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस एक्स से, आपका इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ठीक है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसका रूट स्क्वायर है दूसरे के रूट का, तो गिवन इक्वेशन में आप कैसे निकालिएगा, तो आप इसको निकालिएगा एक्स को आप रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स टू द पावर वन बाय टू से। फिर इसी तरह से कह रहा है एन इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्यूब है पहले वाले के इक्वेशन के रूट का, तो एक्स को आप इस केस में सिंपली क्या कीजिएगा वन बाय थ्री से रिप्लेस कर दिया। अगर कहेगा ये बाय क्वाड्रेटिक पावर है ना, फोर्थ पावर है, तो उस केस में आप रिप्लेस कर दीजिएगा एक्स को एक्स टू दी पावर वन बाय फोर से। अगर ये स्क्वायर कहेगा तो इधर आके क्या कर दीजिएगा आप, ये वन बाय टू कर दीजिएगा। अगर इधर क्यूब कहेगा, पहले का क्यूब है ना, तो आप ये वन बाय थ्री कर दीजिएगा। पहले जैसे पहले में फोर दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा एक्स को रिप्लेस कर दीजिएगा एक्स टू दी पावर वन बाय फोर से, एंड सो ऑन, ये प्रॉपर्टी आपका चलता रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के। आगे जो भी हम लेक्चर्स लेंगे उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका ये टॉपिक, तो आप इसको नोट अच्छे से कर लीजिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।